मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दो दशक से प्रदेश में सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए इस बार चुनाव आसान दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे देखते हुए भाजपा विकास के नाम पर नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव आते ही कुछ लोग मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं, यही लोग 5 साल सनातन को गाली देते हैं, 5 वर्षों में केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते आए, ऐसे लोग चुनाव आते ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, महाकाल के दर्शन करने चले जाते हैं। चुनावी हिंदुओं से जनता को सजग रहना होगा। हमारा सनातन धर्म 10,000 साल पुराना है, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है, से गाली देने वाले लोगों को भारत सहन नहीं करेगा। एक प्रश्न के उत्तर में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी एक है, हमारे साथ खड़ी एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता हैं ही नहीं। श्री फडणवीस ने धार में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लेते हुए पत्रकारों से चर्चा की और अपनी बात रखी। है पूरा देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे चुनाव आता है तो कुछ लोग मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं, 5 साल सनातन को गाली देते, 5 साल केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते, और जैसे चुनाव आता है तो इनको हनुमान चालीसा याद आती है, चुनाव आता है तो ये महाकाल के दर्शन को चले जाते। तो ऐसे चुनावी हिंदुओं से मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको सजग रहना होगा। और देखिए, सनातन ये हमारे 10,000 साल पुरानी संस्कृति, इसको गाली देना, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि इस भारत में तो सहन नहीं किया जा सकता। सर, हिंदुत्व को लेके शिवसेना और भाजपा एक हुए थे, आज दोनों अलग अलग है, क्या वजह है? किसने बताया आपको अलग है? बिल्कुल दोनों अलग अलग है एक तरह से। आपकी जानकारी गलत है। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे कौन सी शिवसेना है? शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं है, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की, और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।